For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आस्था सती और आज हम बात करने वाले हैं आप ही के मोस्ट फेवरेट शो और स्टार प्लस के लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि डेफिनेटली शो में बहुत सारे ट्विस्ट बहुत सारे टर्न्स चल रहे हैं, लेकिन आपको हल्का सा रिवाइंड कराना चाहते हैं कि शो की शुरुआत 9 साल पहले नैतिक और अक्षरा की अरेंज मैरिज से हुई थी, जो अरेंज मैरिज आज सीधा पहुंच गई है नैतिक और अक्षरा की बेटी यानी कि नायरा की लव स्टोरी पर और लव मैरिज पर। जिस शादी की शुरुआत यूं तो बहुत सारे ड्रामे के साथ हुई थी, जिसकी शादी में बहुत सारे ड्रामे हुए थे और हर पार हर पल हमें ये लग रहा था कि अब कार्तिक और नायरा की शादी टूट गई है, लेकिन देखिए बहुत लंबा सफर तय करके कार्तिक और नायरा आखिरकार आज इस प्लेस पर हैं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इनकी शादीशुदा लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और साथ ही हर प्रॉब्लम का इन्होंने डटकर सामना किया था अंटिल अनलेस जब तक शुभम की डेथ हुई थी। याद दिला देते हैं कि शुभम की डेथ के बाद गोइंकास ने नायरा से कम्प्लीटली अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए होते हैं और नायरा भी चुपचाप गोइंकास की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन शो के मेकर्स ने फिर एक ऐसा ट्विस्ट लाया जिसके चलते हमारी उम्मीदें फिर से जाग उठी और कार्तिक नायरा की मुलाकात एक बार फिर से हो गई यानी कि मुंबई वाला ट्राई। मुंबई के बाद वापस दोनों के दोनों जने राजस्थान आ जाते हैं और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में थोड़ी कड़वाहटें आती हैं, डाइवोर्स तक बात जाती है, लेकिन आखिरकार दोनों को अपनी गलतियों का रियलाइज हो ही जाता है। अब देखिए दोनों ने गलतियों का रियलाइज किया तो फैमिलीज नहीं मानी और इन दोनों फैमिलीज के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई कि कार्तिक और नायरा को दूर करने के लिए मनीष ने तो कार्तिक को भेज दिया था एक बार के लिए US और नायरा भी अपने कॉलेज के दिनों में वापस जाने वाली थी। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते हमने देखा कि कार्तिक और नायरा शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन उस शादी के दिन यानी कि मंडप में नायरा पहुंच ही नहीं पाती है। भाई जब ये ट्रैक आया था डेफिनेटली हम सभी की सांस अटक गई थी कि आखिर हमारी नायरा कहाँ चली गई है। लेकिन देखिए कहानी में नायरा ने अपनी ही बीमारी को कार्तिक से बखूबी छिपाने की कोशिश भी की और कार्तिक को ये भी जताया कि अब वो नायरा पहले वाली नायरा नहीं है, अब वो कार्तिक के बिना भी जी सकती है और कार्तिक के बिना अपनी जिंदगी को कैरी ऑन भी कर सकती है। लेकिन कार्तिक के दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे वो समझ जाता है और भांप जाता है कि नायरा जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नायरा का ये कॉमेंट कि वो मूव ऑन करना चाहती है और अब उन्हें तलाक के बाद अलग ही हो जाना चाहिए कार्तिक को हल्की फुल्की नफरत करवा ही देता है नायरा से। लेकिन इस ट्रैक में ऑल थैंक्स टू स्वर्णा जो नायरा की बातें सुनकर जिसे अपनी गलतियों का एहसास भी होता है और जो कार्तिक को समझाने में बखूबी कामयाब भी हो जाती है। और उसके बाद हमने पूरा ट्रैक रिसेंटली देखा है कि कैसे स्वर्णा, कार्तिक, गोइंकास और सिंघानिया सारे के सारे एक साथ आ जाते हैं और नायरा को ये रियलाइज करवाने में कि वो कार्तिक के बिना नहीं जी सकती है और कार्तिक के अलावा उसका जीवन साथी कोई बन भी नहीं सकता है बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग का हिस्सा एक बार को आशी भी बनती है और करण भी बनते हैं, जहां पे नायरा को ये जताया जाता है कि कार्तिक की शादी आशी से हो रही है और साथ ही वो नायरा से हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। लेकिन शादी के दिन ही नायरा को पड़ जाता है अटैक और सीधा पहुंच जाती है नायरा हॉस्पिटल और हो जाती है बहुत पैनिक जब उसे होश आता है ये सोचकर कि कार्तिक अब हो चुका है आशी का। लेकिन भाई यहाँ पे पूरा ट्रैक खुलता है, पूरी प्लानिंग खुलती है और आखिरकार नायरा रिलीफ हो जाती है कि कार्तिक की शादी आशी से नहीं हुई। और यही वो ट्रैक होता है जब नायरा को सब कुछ पता चल जाता है कार्तिक और स्वर्णा और साथ ही गोइंकास और सिंघानिया फैमिली की प्लानिंग के बारे में। लेकिन वही हम आपको जरा ये बता देते हैं कि पूरी प्लानिंग के बाद, नायरा के सारे टेस्ट के बाद आज के आगे आने वाले एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी के आने वाले कल के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे हॉस्पिटल में सबके सामने नायरा करेगी कार्तिक को प्रपोज, जिसके बाद सब लोग एक तरफ तो चौंक जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक कहीं ना कहीं खुश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात करें शो के आने वाले आज के एपिसोड की तो आज आप पहले देखेंगे कि कैसे नायरा की MRI होगी, जिसके साथ ही एक बार फिर से नायरा डरती हुई नजर आएगी। लेकिन कार्तिक और नायरा का हो जाएगा शुभ मिलन, जहां आप देखेंगे कि कैसे रिपोर्ट्स का सच जान कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और जब नायरा आएगी तो अपनी परेशानी को छिपा लेगा कार्तिक। जहां से बात करें शो के आने वाले कल के एपिसोड की तो कल आप देखेंगे कि कैसे सबके सामने नायरा करेगी कार्तिक को प्रपोज और ये सब देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन अब शो की कहानी में ये देखना काफी मजेदार होने वाला है कि कैसे नायरा शो की कहानी में ठीक होगी और कैसे कार्तिक रिपोर्ट्स का सच बताएगा नायरा को, ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही और भी अपने फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जो लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग डिटेल्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट व्यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट।
तो हमारे बताए रीसेंट ट्रैक को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फिलहाल के कुछ एपिसोड्स सिर्फ हॉस्पिटल के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। जहां पर नायरा अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है, तो वहीं कार्तिक भी नायरा को लेकर परेशान है, और सिंघानिया और गोइंकास दोनों फैमिलीज कीर्ति और नायरा की हेल्थ को लेकर परेशान है। लेकिन आपको बता देते हैं कि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को एक बहुत प्यारा सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, जो फिल्म विवाह से मिलता जुलता हो सकता है। याद हो तो फिल्म विवाह में जब जल जाती है अमृता रॉय, तो शाहिद कपूर अपनी शादी ना तोड़कर हॉस्पिटल में आकर उनकी मांग में सिंदूर भर देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन शादी होनी थी शादी उसी दिन होगी। कुछ इसी तरह का ट्रैक आपको देखने को मिलने वाला है कार्तिक और नायरा की जिंदगी में, जहां पर नायरा खुद ये शर्त रखने वाली है कार्तिक के सामने कि वो सिंघानिया नहीं बल्कि गोइंका बनना चाहती है। और यही वो ट्रैक होगा जब कहानी में कार्तिक गोइंका नायरा सिंघानिया को एक बार फिर से नायरा कार्तिक गोइंका बना देगी, और नायरा की मांग में कार्तिक सिंदूर भी भर देगा अपने नाम का, जिसके बाद आपको कुछ नए ट्रैक देखने को मिलेंगे। और आखिरकार सर्जरी का सक्सेसफुल होना भी इसी ट्रैक का हिस्सा होगा, जहां एक बार फिर से खुशियां लौट आएंगी कार्तिक और नायरा की जिंदगी में, और सिंघानिया और गोइंकास भी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन किस तरीके से होने वाला है इन दोनों का गृह प्रवेश, ये हम बताने वाले हैं हम आपको इस वाली स्टोरी में। कार्तिक नायरा की करवट लेती जिंदगी में अब फाइनली वो ट्रैक आने वाला है जिस ट्रैक का इंतजार हम सभी को बेसब्री से था, यानी कि 2 साल के बाद कायरा का मिलन होना और उसके बाद दोनों फैमिलीज के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाना। लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई इस ट्रैक को आने में बहुत टाइम लग गया, और शो के मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस ट्रैक की वापसी भी करवाई, जहाँ पे स्वर्णा का माफी मांगना नायरा से सबसे बेहतरीन सीन था, और वहीं नायरा का भी स्वर्णा को माफ करना और पूरे सिंघानिया हाउस का स्वर्णा को माफ कर देना वाकई में बहुत दिल छू लेने वाला सीन था। लेकिन बात करें अगर आगे आने वाले एपिसोड की, तो भाई अब नायरा का ऑपरेशन क्यों ही सक्सेसफुल रहेगा, तो इसके बाद अब कहानी में कार्तिक नायरा का गृह प्रवेश होने वाला है। जी हाँ, बता देते हैं कि आगे आने वाली कहानी में बहुत ही खास तरीके से कार्तिक और नायरा दोनों का गृह प्रवेश होगा। वेल, सोच रहे होंगे आप कि आखिर कार्तिक का गृह प्रवेश कैसे हो सकता है, तो बता देते हैं कि स्वर्णा कहेगी कि इस बार कार्तिक और नायरा अपने नए रिश्ते की शुरुआत के साथ इस घर में नया प्रवेश करेंगे, और साथ ही कसम खाएंगे कि इस बार एक दूसरे को गलत समझने की गलती कभी नहीं करेंगे, और हर बात को पहले समझने की कोशिश करेंगे, उसी के बाद कोई डिसीजन लेंगे। इसके बाद डेफिनेटली ये ट्रैक होने वाला है बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। लेकिन इसके बाद कौन से ट्रैक की शुरुआत होगी भाई, ये भी देखने में आएगा बहुत ज्यादा मजा। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज सच फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। कार्तिक नायरा की जिंदगी में चल रही उथल पुथल अब वाकई में थमने वाली है, क्योंकि भाई जिस तरीके से इस ट्रैक की शुरुआत हुई थी, यानी कि कार्तिक नायरा का एक होना लेकिन अचानक से नायरा का शादी के दिन बैकआउट कर जाना, उस ट्रैक का एंड फाइनली होने वाला है। क्योंकि हॉस्पिटल में अपनी दुल्हनिया तो बनाएगा कार्तिक नायरा को उसको सिंदूर लगा के, लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में तब आएगा जब रिपोर्ट्स के जरिए ये सामने आएगा कि दरअसल नायरा बिल्कुल ठीक है, और साथ ही नायरा की आगे आने वाली जिंदगी भी बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि आगे आने वाली कहानी अब कुछ इसी तरह इशारा कर रही है, जहाँ पर कार्तिक कल के एपिसोड में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे न जाने कहाँ कहाँ जाएगा नायरा की सलामती की दुआ मांगने के लिए, और असली ट्विस्ट तभी आएगा जब वाकई में कार्तिक के दिल से मांगी हुई इस दुआ को भगवान कबूल कर लेंगे और नायरा को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगे। यानी कहानी में बहुत प्यारे ट्रैक, बहुत स्पिरिचुअल से ट्रैक आने वाले हैं, जिसको जानने के लिए, जिसको देखने के लिए आपको देखना होगा ये शो, और साथ ही चेक करनी होंगी हमारी अपडेट्स, क्योंकि आने वाली हर अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे बहुत ही जल्द। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। तो हमारी गृह प्रवेश वाली खबर को जानकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि कार्तिक नायरा की वेडिंग वाला ये ट्रैक फिर से थोड़ा लंबा खींचने वाला है। नायरा की सर्जरी को भी ये रिश्ता के मेकर्स थोड़ा बहुत ताव देके तो खींचेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि भाई ये रिश्ता के मेकर्स एक बार फिर से शादी वाले ट्रैक को सभी शादियों की तरह बहुत लंबा खींचेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए शो को, और साथ ही बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू पे, और जरूर लाइक कीजिए हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, साथ ही कमेंट शेयर कीजिए हमसे अपने, उसमें रिव्यू सजेशन जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आप सीरियल से हटके कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि अजब गजब स्टोरीज को, बॉलीवुड को, तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ सीरियल से हटके अगर आप कुछ अलग तरह की खबरों को देखना चाहते हैं, कुछ अलग बातों को जानना चाहते हैं, रहस्यमय चीजों के बारे में, रहस्यमय जगहों के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हॉरर फैक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, हॉरर स्टोरीज आप सुनना चाहते हैं, तो जरूर विजिट करिए हमारी फीचर्ड चैनल को, जिसका नाम है मिस्टीरियस फैक्ट्स, जहां आपको मिलेगी इस तरह की तमाम स्टोरीज, यानी कि हॉरर फैक्ट्स से लेकर रहस्यमय बातों तक, जो आपको बहुत ही ज्यादा रोमांस से भर देंगी। तो अब वक्त हो चला है हमारे चलने का, जल्द ही लौटेंगे आपके साथ कुछ इसी तरह की सीरियल्स की चटपटी खबरों को लेकर। टिल देन, बाय बाय। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल
एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।